Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So in this video, I'm going to discuss about important MCQs classic science chapter 14 water. अगर आपने इसका चैप्टर नहीं पढ़ा है तो वाटर चैप्टर पढ़ लेना, ऊपर लिंक पॉपअप हो रहा होगा. उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है विच वन इज अ प्रोसेस इन विच वाटर चेंज इनटू वेपर इन एटमॉस्फेयर. इसमें से बताना है कौन सा राइट आंसर होगा, ए बी सी डी. और पूछा गया है कि ऐसी प्रोसेस बताओ जो वाटर वेपर बन जाता है. जब वाटर वेपर में चेंज हो जाता है और एटमॉस्फेयर में उड़ जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन या फिर प्रेसिपिरेशन. ए बी सी डी राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इवेपोरेशन. तो देखते हैं इवेपोरेशन क्या होती है. जब वाटर चेंज हो जाता है वेपर में और वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में उड़ जाता है भाप बनके, वेपर बनके. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है वाटर इज एसेंशियल फॉर. वाटर किस लिए जरूरी है? हमारी लाइफ के लिए, एनवायरमेंट के लिए, ड्रिंकिंग के लिए या इवेपोरेशन के लिए. ए बी सी डी राइट आंसर क्या होगा? वाटर हमारी किस जरूरत को पूरा करता है, किस चीज के लिए? एनवायरमेंट के लिए जरूरी है या फिर एक लाइफ के लिए जरूरी है या पीने के लिए, ड्रिंकिंग के लिए जरूरी है या इवेपोरेशन होने के लिए जरूरी है? तो इसमें राइट आंसर होगा लाइफ के लिए जरूरी है. लाइफ क्या है? हम लोग लाइफ हैं. ये जितने भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये लाइफ है. अगर ये नहीं जीवित रहेंगी तो एनवायरमेंट और इवेपोरेशन का कोई फायदा नहीं है. ठीक है, तो लाइफ के लिए जरूरी है वॉटर. थर्ड है द सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशियन एंड लैंड इज नोन एज. वाटर का सर्कुलेशन पूछा गया है. सर्कुलेशन मतलब होता है जो वाटर सर्कुलेट होता है ओशियन से, जो ये बादल हैं और नीचे लैंड है, इन दोनों के बीच में जो वाटर सर्कुलेट होता है, नीचे से ऊपर जाना, ऊपर से नीचे आना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये सर्कुलेशन होती है जो गोल गोल प्रोसेस को करती है, इसको क्या कहते हैं? ये तो पता चल ही गया होगा आपको. इसका राइट आंसर बहुत इजी है, ये वाटर वेपर, वाटर साइकिल, ट्रांसपिरेशन या रिप्लेनिशिंग. ठीक है, क्या होता है? रिप्लेनिश. कौन सा राइट आंसर होगा इसमें से? तो राइट आंसर होगा वाटर साइकिल. ठीक है, तो वाटर साइकिल होती है जब पूरी साइकिल, वाटर साइकिल आपने देखी होगी वाटर चैप्टर में. वाटर साइकिल को आप, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कैसे वाटर साइकिल वर्क करती है. जब रेन होती है फिर उसके बाद वाटर लैंड में पहुंचता है, लेक में पहुंचता है, सी में पहुंचता है, फिर वो इवेपोरेशन की प्रोसेस से फिर दोबारा वो क्या होता है, वेपर हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, फिर दोबारा वो नीचे आता है, कंडेंसेशन प्रोसेस होती है, बहुत चीजें प्रोसेस से वो वाटर साइकिल होती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्टेबल वाटर इज. इसमें से आपको दे रखा है कि पोर्टेबल वाटर कौन सा है. पोर्टेबल होता है पीने योग्य पानी कौन सा है? ओशियन वाटर, ग्राउंड वाटर, रिवर वाटर या फिर पॉन्ड्स वाटर. कौन सा पानी पीने योग्य है, पोर्टेबल है? तो इसका राइट आंसर होगा ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर जो होता है, जहाँ ग्राउंड के नीचे पानी होता है, वो पीने योग्य होता है. बाकी ओशियंस में, रिवर्स में और पॉन्ड्स में पीने योग्य पानी इतना हमारे लिए नहीं होता. इसमें जो है सॉल्ट भी मौजूद होते हैं, काफी तरीके की ऐसी चीजें होती हैं जो पीने योग्य नहीं होती पानी. ठीक है, तो ग्राउंड वाटर इज द राइट आंसर. सेकेंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ वाटर साइकिल. इसमें से आपको ऑप्शन दे रखा है वाटर साइकिल किस चीज का, किस में, इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है. रेन, सन, क्लाउड फॉर्मेशन, ड्रिंकिंग बाय एनिमल. तो देखो रेन होती है ये वाटर साइकिल की एक सर्कुलेशन में से एक पार्ट होता है. सन क्या करता है, वाटर को वेपर में चेंज करता है. सन का बखूबी इसमें रोल होता है वाटर साइकिल में. क्लाउड फॉर्मेशन होती है वाटर साइकिल, फिर क्लाउड फॉर्मेशन में से ही तो कंडेंसेशन होती है, उसके बाद ही तो वाटर नीचे आता है रेन बन के. तो इन तीनों में से सारे वाटर साइकिल है, लेकिन डी ड्रिंकिंग बाय एनिमल्स वाटर साइकिल में नहीं आता. जो पानी जो एनिमल पी जाते हैं वो अपने ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म हम पानी पीते हैं वो अपनी लाइफ के लिए पीते हैं, ना कि वाटर साइकिल के लिए. ठीक
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। इसमें से आपको बताना है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर क्या है, रिवर वाटर, ग्राउंड वाटर, रेन वाटर, ओशन वाटर। जो पीछे पूछा गया था वो था पोर्टेबल वाटर, मतलब कि कौन सा पीने योग्य है, लेकिन इस पे पूछा गया है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, जो सबसे प्योर फॉर्म है वाटर की वो कौन सी है, तो वो है रेन वाटर। जो रेन वाटर होती है उसमें कोई भी ऐसा तो नहीं होता कि उसमें कोई मिट्टी हो या फिर कह सकते हैं सॉल्ट हो, सॉल्ट तो नहीं होता रेन वाटर में, बट रेन वाटर एटमोसफेयर में काफी चीजें होती हैं, डस्ट होती हैं वाटर में, वाटर वेपर जो है, जब वाटर वेपर जाता है उसके बाद रेन होती है, तो रेन वाटर जो है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है, बल्कि उसमें पर ऐसी जो पीने योग्य वाटर को रेन वाटर नहीं कहा सकता, उसमें हम पीते नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ वाटर इन पोटैटो इज, पोटैटो में परसेंटेज ऑफ वाटर पूछा गया है कितना होता है, 88, 75, 90 या फिर 35। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पोटैटो में पानी कितना पाया जाता है, तो वो है 75% पोटैटो में पानी पाया जाता है, मतलब कि आप कह सकते हो 70%+ पानी जो है पोटैटो में, काफी पानी होता है मौजूद, ठीक है, तो 75% होता है पोटैटो में। और भी देख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, हमारे फ्रूट्स होते हैं जिसमें पानी होता है, जैसे कि आप बोल सकते हो वाटरमेलन, कुकुम्बर, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जिसमें 90% पानी पाया जाता है, कुकुम्बर में 90% पाया जाता है, वाटरमेलन में भी 90% पाया जाता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, फ्रूट्स होते हैं जिनमें पानी जो है पाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट्स द परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन ब्रेन एंड हार्ट। ध्यान से देखो, ह्यूमन ब्रेन और हार्ट में पूछा गया है, टोटल हमारी बॉडी में जो पानी परसेंटेज होता है वो अलग होता है, बट ये पूछा गया है सिर्फ ह्यूमन ब्रेन और हार्ट में कितना होता है, तो ह्यूमन ब्रेन और हार्ट में कितना होता है, वो है 73% ऑफ वाटर सिर्फ हमारी ब्रेन और हार्ट कवर करती हैं। तभी कहते हैं ना कि पढ़ते समय पानी पीते रहना चाहिए, इससे हमारा ब्रेन जल्दी वर्क करता है, हमें याद रखने में मदद करता है, तो जब भी पढ़ने बैठो ब्रेन को पानी देना जरूरी है, पानी पीते रहना जरूरी है, जो कि इसमें बताया गया 70% ऑफ वाटर ब्रेन और हार्ट में होता है। और बहुत सारी ऐसी हमारे ऑर्गन्स हैं बॉडी में, वो हमें कैरी करते हैं, लंग्स कैरी करती है वाटर, हमारी पूरी बॉडी में वाटर होता है, जो हमारी 75% ऑफ वाटर जो है हमारी पूरी बॉडी में होता है, तो सबसे ज्यादा वाटर होता है ब्रेन और हार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। इसमें से स्टेटमेंट दे रखी है, इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो देखो फर्स्ट बोला गया है वाटर इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, वाटर इज यूज्ड टू कीप थिंग्स कूल, वाटर इज यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स दैट वी यूज, या फिर डी ऑल द अबव। तो कौन सा राइट आंसर होगा, इसमें होगा ऑल द अबव, जितने भी ए बी सी बोले गए हैं ये तीनों के तीनों राइट हैं, बिकॉज वाटर जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी में भी मदद करता है, वाटर हमें कूल रखने में भी मदद करता है, जो थिंग्स हैं उन्हें ठंडा करने में भी मदद करता है, और वाटर जो है इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाईएस्ट सॉल्टी वाटर इफ इन ओशियन इज कन्वर्टेड इनटू प्योर वाटर इन नेचर बाय। जो हमारे सॉल्टी वाटर होते हैं ना ओशियंस में, सी में, ये सॉल्टी खारा पानी होता है, तो उसको अगर हमें प्योर वाटर में कन्वर्ट करना है तो वो किस तरीके से करा जाता है, नेचर के द्वारा पूछा गया है, प्योर वाटर इन नेचर बाय, ठीक है, तो नेचर के द्वारा किस तरीके से सॉल्टी वाटर को प्योर में कन्वर्ट किया जाता है, वो है बॉइलिंग, एडिंग क्लोरीन, वाटर साइकिल या इवेपोरेशन। किसकी मदद से वाटर सॉल्टी वाटर को प्योर वाटर में कन्वर्ट किया जाता है, वो है वाटर साइकिल। जब वाटर साइकिल की प्रोसेस होती है और रेन जब होती है उसमें सॉल्ट नहीं पाया जाता, प्योरेस्ट फॉर्म होती है, तभी उसमें बोला गया है प्योर वाटर कौन सी होती है, रेन होती है, और वाटर साइकिल उसके करता है कन्वर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैच वाटर वेयर इट्स फॉल इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड। ये जो एक स्टेटमेंट दी गई है कैच वाटर वेयर इट्स फॉल, इसके पीछे एक्चुअली में कौन क्या मीनिंग निकल रहा है, बेसिक आइडिया क्या है इस मीनिंग का कि कैच वाटर वेयर इट्स फॉल, तो इसका मीनिंग क्या है वो बताना है। इसका मीनिंग है क्या, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, मेकिंग डैम्स टू स्टोर वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, या फिर कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। तो इसका
जो राइट आंसर है वो क्या होगा, वो होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बोला गया है कि कैच वाटर, वाटर को पकड़ लो, वेयर इट्स फॉल, जहां से भी वो गिरे वाटर को पकड़ लो, जहां से भी वो गिरे मतलब कि रेन हो, जहां भी आपको रेन होते हुए दिखे वहां से आप उसको पकड़ लो, मतलब कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी जरूरी है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, रेन जहां पे बारिश होती है उस पानी को जमा करने की सुविधा बनाई जाए, जो पानी गिर रहा है उसको जो है हम बचाएं और उसका बाद में यूज करें, बाकी जो डैम्स होते हैं वहां भी पानी बचाया जाता है, ताकि जो है पानी को बचा के डैम्स में गिराया जाता है। डैम्स फिर जो है पेड़ पौधे भी बहुत बहुत सारे जो होते हैं रेन वाटर से क्या होते हैं, बहुत सारे पेड़ भी डिपेंड होते हैं, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पानी को बचा के रखते हैं, उसके बाद उसका काम करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, वाटर ऐसे सेफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली इज राइटिंग सम स्टेटमेंट, सम सेंटेंसेस अबाउट एडवांटेजेस ऑफ रेन वाटर, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। तो इसमें से बता रखा है कि राइटिंग इसमें से सम स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं जो कि आपको एडवांटेज बता रही हैं रेन वाटर की, कौन सा इसमें करेक्ट है वो बताना है। तो ये बोला गया है, रेन ब्रिंग्स रिलीफ बाय कूलिंग द एनवायरमेंट आफ्टर हॉट समर डेज, रेन्स प्रोवाइड वाटर इन टू द रिवर एंड डैम्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, या फिर द सोइंग ऑफ मैनी क्रॉप्स डिपेंड ऑन द कमिंग ऑफ रेन ड्यूरिंग मानसून, या फिर ऑल द अबव। तो देखो जो रेन के एडवांटेज हैं वो बहुत सारे हैं, तो इसमें से आपको जितने भी बता रखे हैं वो ऑल द अबव वो करेक्ट हैं, बिकॉज रेन क्या करता है, इन्वायरमेंट को ठंडा रखने में भी काम करता है। अगर जैसे समर आते हैं बहुत गर्म दिन होता है, अगर उसके बाद जो बारिश आ जाए रेन हो जाए तो इन्वायरमेंट ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है। अगर रेन जो होती है वो क्या करती है, रिवर्स में जाती है, डैम्स में जाती है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स क्या होते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पानी को, जो रेन वाटर को बचा के क्या करते हैं, उसका कल यूज करते हैं, और इलेक्ट्रिक की मदद से सभी पेड़ों में भी पानी जाता है, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है पानी से, ठीक है। तो जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है उसकी मदद से, और रेन के एडवांटेज और भी हैं, जो क्रॉप्स होती हैं कुछ डिपेंड होती हैं, कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो मानसून में डिपेंड होती हैं, जब रेन आएगी तभी वो जो है अपनी जो है ज्यादा ग्रोथ कर पाएंगी, ठीक है। तो ऑल द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स रेगुलेट देयर टेम्परेचर बाय, जो प्लांट्स होते हैं वो टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट करते हैं, मतलब अपने टेम्परेचर को कैसे ढंग से रख पाते हैं। टेम्परेचर होता है तापमान को, जो प्लांट्स होते हैं अगर उन्हें जैसे हम कहते हैं बहुत तेज धूप हो रही है, प्लांट्स को गर्मी ना लग जाए, प्लांट्स जल ना जाए, तो वो अपने टेम्परेचर को खुद ब खुद संभाल लेते हैं। तो किसकी मदद से संभाल पाते हैं, ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, या फिर प्रेस्पिरेशन, कौन सी ऐसी मेथड है जो प्लांट्स के लिए टेम्परेचर को ठीक रखने में मदद करती है, वो है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन कौन सा मेथड होता है, जब आप देखते हो जब पानी जो हम देते हैं प्लांट्स को, पानी देते हैं वो सॉइल में जाता है, फिर वो रूट से स्टेम में भी जाता है, और जो है प्लांट खाना बनाते हैं उसकी हेल्प से, तो जितना भी पानी उन्हें चाहिए होता है वो अपने फूड में लगाते हैं, बट उसके बाद जो पानी बचा होता है बाकी वो ट्रांसपिरेशन कर देते हैं, मतलब कि वो वेपर के थ्रू, जैसे इवेपोरेशन होती है एटमॉस्फेयर में, वैसे ही प्लांट से जब स्टोमेटा से, लीफ के स्टोमेटा से जब ट्रांसपिरेशन होती है, जब वो पानी को इवेपोरेट कर देते हैं, उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और ट्रांसपिरेशन में बहुत सारा पानी जो है प्लांट्स जो है इवेपोरेट कर देते हैं, और वो अपने टेम्परेचर को कूल रखते हैं। ट्रांसपिरेशन क्या करता है, प्लांट्स को कूल रखने में मदद करता है, ठंडा रखने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर टेक प्लेस, तो इसमें से आपको दे रखे कुछ स्टेटमेंट सेंटेंसेस, उसमें से आपको बताना है कि कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर किस तरीके से लागू होते हुए हम देख सकते हैं, किस तरीके से देखें कि हमें कंडेंसेशन की प्रोसेस दिखाई दे। तो देखो, ब्रीथिंग ऑन टू द मिरर एंड हीटिंग एन ओपन बीकर ऑफ वाटर, इसमें बोला गया है कि आप जब मिरर के आगे खड़े होते हो, उसके आगे जब ब्रीथ करते हो, जब ब्रीथ से हम क्या करते हैं, शीशे में एक धब्बा सा पानी का धब्बा आ जाता है, और या फिर हीटिंग एन ओपन बीकर ऑफ वाटर, जब हम बीकर और बीकर को क्या करें, हीट करते हैं तब होता है, या फिर हीटिंग एन ओपन बीकर ऑफ वाटर एंड लीविंग अ ग्लास ऑफ आई ऑन द टेबल, या फिर ब्रीथिंग ऑन टू
अ मिरर एंड लिविंग अ ग्लास ऑफ आई ऑफ द टेबल. ये सब बता रखा है, लिविंग अ ग्लास ऑफ आई ऑन द टेबल एंड लिविंग अ कप ऑफ वॉटर ऑन द विंडो. तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा जो बताए आपको कि कंडेंसेशन हो रहा है. तो कौन सी प्रोसेस से पता चलता है, वो है सी. क्योंकि देखो सी में क्यों है राइट, क्योंकि देखो जब हम मिरर में जाते हैं, जब उसके आगे मिरर के आगे हम ब्रीथ करते हैं तो आपको एक पानी सा दिखाई देगा मिरर के आगे. तो जो हमारी जो वेपर है, जो हमारे आसपास जो वेपर है, जब हमने ब्रीथ किया तो वो वेपर क्या क्या हुआ, हमारी ब्रीथ में कुछ वाटर मौजूद थे तो वो वाटर जाके किसी सरफेस में टकराए, तो वो सरफेस में टकरा के अपनी जो है पानी आ गया उसमें, तो वो कंडेंसेशन हो रहा है. ठीक है, और बोला गया है अगर आप ग्लास ऑफ आई का, जब आप बर्फ वाला ग्लास अगर टेबल पे रख दोगे तो उसके बाद आप देखोगे कि ग्लास के आगे पानी छोड़ देगा वो. तो वो क्यों होगा, जो आसपास हमारे वेपर मौजूद है वो जो ठंडे पानी को क्या कर देगा, वो पानी में चेंज कर देगा. जो हवा है वो ठंडी होके सरफेस में टकराएगी और वो पानी में चेंज हो जाएगी. जो हमारे आसपास वेपर होता है उसमें भी हल्का हल्का पानी मौजूद होता है, जो हमें पता तो नहीं चलता लेकिन हल्का हल्का पानी हमारे वेपर में आसपास एटमॉस्फेयर में हल्का हल्का वेपर पानी मौजूद होता है. जब हमें जो किसी चीज सरफेस में टकराती है ठंडी चीज में, तो वो पानी बन जाती है. ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी. 15 एंड लास्ट क्वेश्चन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज. इसमें पॉइंट वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है, 100 डिग्री सेल्सियस, 101 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 डिग्री सेल्सियस. तो बॉइलिंग पॉइंट ऐसा कौन सा डिग्री सेल्सियस रखें जिस टाइम पे वाटर बॉइल करने लग जाए, तो ऐसा टेम्परेचर होना चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस. जब आप 100 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को रख दोगे तो वाटर बॉइल होने की पोजीशन में चला जाएगा. और जब फ्रीज होता है, जब पानी जो है एकदम बर्फ बन जाता है, वो किस में होता है, वो 0 डिग्री सेल्सियस में होता है. ठीक है, और अगर आपको पता है कि जो लावा निकलता है, इतनी ज्यादा आग से लावा निकलता है अर्थ से, वो किसकी, वो कौन से टेम्परेचर से होता है, और बहुत सारे टेम्परेचर में अगर आपको कंफ्यूजन है तो उसकी वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी. टेम्परेचर के बारे में सारी जानकारी उस वीडियो में है, अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो वो वीडियो भी देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वर्क हार्ड. और अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और शेयर कर देना गाइज, और कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा. आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी ये वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज.